तो गाइस आज बहुत सारे वीडियोस आ रहे थे, लेकिन अब से थोड़ा कम वीडियोस आएंगे। इसका रीज़न तो सब्जेक्ट पढ़ जाते हैं, यानी सारे सब्जेक्ट उधर ही पढ़ते हैं। लेकिन अब से मैं 2 ट्यूशन जाने लगा हूँ। हाँ, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ। सो हेलो गाइस, क्रिच हेयर। तो गाइस आज वीडियो बना रहा हूँ, यानी व्लॉग बना रहा हूँ। आपके हिसाब से तो डेली बना रहा हूँ, लेकिन 7 दिन बाद बना रहा हूँ। तो आज के वीडियो में मैं अपने भाई को एक गिफ्ट दूंगा, लेकिन ऐसे ही थोड़ी दे दूंगा। तो मगर क्यों? तो इसे गिफ्ट तभी मिलेगा जब ये मुझे एक फाइट में हराएगा। क्या तुम रेडी है? अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। गजब टू भी बाज आदमी। ये फाइट थोड़ी देर बाद करूंगा। सबसे पहले एक छोटा सा काम है जो मैं निपटा लेता हूँ। इधर देखो कैसा कचरा फैला हुआ है, और ये ऑब्वियसली भाई नहीं फैलाया, इसे साफ कर लेता हूँ। हाँ, तो ये तो रख दिया। तो आपको एक बात बतानी थी। वैसे अब तक मेरे बहुत सारे वीडियोस आ रहे थे, लेकिन अब से थोड़ा कम वीडियोस आएंगे। इसका रीज़न तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ थोड़ा बहुत। अब मैं क्लास 10 में पहुँच चुका हूँ, यानी इस साल मेरे बोर्ड्स एग्जाम है। यूट्यूब पर ज़्यादा फोकस डालूंगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। खत्म। उस वजह से अगर मेरा मार्क्स कम आया फिर घर में खतरनाक धुलाई हो जाएगी। ऊपर से अब मैं 2 ट्यूशन जा रहा हूँ। पहले सिर्फ एक ही ट्यूशन जाता था जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ता था, यानी सारे सब्जेक्ट उधर ही पढ़ता था। लेकिन अब से मैं 2 ट्यूशन जाने लगा हूँ, एक बाकी सब सब्जेक्ट का और एक केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का ट्यूशन ना मेरे को जाना नहीं था। मैं बोला था कि उसी सर के पास फिर से पढ़ लेता हूँ सारा सब्जेक्ट। तो मेरे पापा ने कहा कि छोटी बच्ची हो क्या हो? तो मुझे 2 ट्यूशन जाना पड़ रहे हैं। अब तो वीडियोस बहुत ही कम आएंगे। आप लोग प्लीज निराश मत होना, मैं आपके साथ बना रहूंगा। आवाज़ है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम। वीडियोस डालने का पूरा कोशिश करूंगा, वीडियोस डालूंगा भी, पढ़ाई भी करूंगा। यही तो है एक स्टूडेंट यूट्यूबर की जिंदगी। तो चलो जो भी हो, थोड़ी देर में हमारा फाइट स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइट से पहले थोड़ा अच्छा से पानी पी लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो पानी पीता हूँ। हाँ, तो अब फाइट को स्टार्ट करते हैं। भाई मैं फाइट को स्टार्ट करूँगा, तो दोनों तैयार हैं? हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोनों फाइटर हाथ में सामने, और क्रिच भी तैयार, गोडू भी तैयार। गोडू ने गुस्सा मारा और गोडू खुद ही गिर गया। क्रिच अपना ताकत दिखाते हुए गोडू उठा, और उठते ही और एक लात मारा और क्रिच को पैर में बहुत जोर का दर्द हुआ। क्रिच ने गुस्सा मारा लेकिन गोडू बच गया। गोडू ने गुस्सा मारा, क्रिच को बहुत जोर का लगा, और फिर क्रिच भी थक गया और क्रिच उठा और उठते साथ ही लात मारा और गोडू को लगा। गोडू गिर गया, लेकिन गोडू हार नहीं माना। गोडू उठ चुका, गोडू ने हाथ पकड़ा, क्रिच का गिरा दिया। हुआ क्रिच तो गिर चुका नीचे। ओ माय गॉड, क्रिच भी हाथ नहीं माना, फिर उठ गया और फिर से और ये कुछ एक घुसा मारा और गोडू को लगा जोर का। और इस बार गोडू भी हार नहीं मान सकता, उसको भी जोश है। तो गोडू ने पेट में घुसा मारा और जाकर, ओ भाई ये तो कॉम्बैट है, क्या कॉम्बो में मारा घुसा लगा। और फिर कुछ और ये आखिरी बार लगता है, इसके बाद गोडू तो जीत गया और क्रिच उठने नहीं वाला। तो आखिर में आपने जैसा देखा, इसने लात मार के क्रिच को हरा दिया। तो हमारे इस बैटल का विनर है गोडू। तो इसमें तो हार गया। अब प्रॉमिस के मुताबिक इसे जो भी चाहिए मुझे इसे देना पड़ेगा। तो बता तेरे को क्या चाहिए? चाहिए डोरेमोन। हाँ? क्या बोला तूने? तुझे डोरेमोन चाहिए, यानी ये डोरेमोन। हाँ। तो तुझे जो चाहिए वो तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो भाई हमारा सफर यही तक था, अब तुझे मुझसे अलग होना पड़ेगा। प्लीज नहीं, मुझे तेरे से अलग नहीं होना। होनी को कौन डाल सकता है? प्लीज प्लीज मुझे अलग मत कर तुझसे। अलग ही होना ही पड़ेगा। नहीं भाई, नहीं प्लीज, नहीं 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 नहीं, मुझे अलग नहीं होना। नहीं नहीं नहीं, मुझे अलग नहीं होना। तू तो क्या? नहीं मान दो मान नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दे, मत जाओ। तो आखिरकार मुझे डोरेमोन से अलग होना पड़ा। अब से आप डोरेमोन को कभी नहीं देख पाओगे। तो सॉरी फॉर दैट, मुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। जो भी हो, अब और क्या, तो बस वीडियो को करता हूँ एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।